हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। हम डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में राउटिंग प्रोटोकॉल का टॉपिक कवर कर रहे हैं, और इससे पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि RIP प्रोटोकॉल, जो कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, उसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, उसमें जो प्रॉब्लम होती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। सो आज की वीडियो में अब हम शुरू करेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। सो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, इन दिस इफ ईच नोड इन द डोमेन हैज इंटायर टोपोलॉजी ऑफ द डोमेन, दैट इज लिस्ट ऑफ नोड्स एंड लिंक्स, हाउ दे आर कनेक्टेड, टाइप, कॉस्ट एंड कंडीशन ऑफ द लिंक, देन द नोड कैन यूज डिजिक्ट्रास एल्गोरिदम टू बिल्ड राउटिंग टेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक डोमेन के अंदर हर नोड के पास पूरी डोमेन की इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में हो सकता है कि कौन कौन सी नोड्स हैं, कौन से लिंक्स हैं, किस तरह से वो कनेक्टेड हैं, क्या उनकी कॉस्ट है एक नोड से दूसरी नोड तक जाने की, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक राउटिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिजिक्ट्रास एल्गोरिदम। नाउ डिजिक्ट्रास एल्गोरिदम क्यों यूज़ होता है, बिकॉज इट इज़ यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट इन अ ग्राफ। सो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे आप शो कर सकते हो, सपोज यहां पे एक नोड है ए, देर इज अ नोड ए हेयर, यहां पे एक नोड है बी, ऐसे ही हमारे पास यहां पे एक नोड है सी। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि हर नोड के पास पूरी डोमेन की इंफॉर्मेशन है, पूरी डोमेन की टोपोलॉजी है। तो जैसे कि अगर मैं नोड ए की बात करता हूं, नोड ए के पास पूरी डोमेन की टोपोलॉजी होगी कुछ इस तरह से कि नोड ए को पता है कि वो कैसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये नोड ए है, इसको पता होगा कि ये बी से कनेक्टेड है और इसकी जो कॉस्ट है वो सपोज 5 है। ऐसे ही नोड ए को पता होगा कि वो सी से भी कनेक्टेड है और इसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 2 है। तो नोड ए को पता है कि पूरे डोमेन में कौन कौन सी दूसरी नोड्स हैं, क्या लिंक्स हैं और उन लिंक्स की कॉस्ट क्या है। ऐसी नोड बी को भी पता होगा, सपोज नोड बी हम यहाँ पे बना लेते हैं, कि वो ए से कनेक्टेड है, कॉस्ट 5 है और वो सी से भी कनेक्टेड है और कॉस्ट फॉर एग्जांपल 4 है। सिमिलरली नोड सी को भी पता होगा कि वो ए से कनेक्टेड है, कॉस्ट 2 है और वो बी से भी कनेक्टेड और कॉस्ट 4 है। तो इस तरह से हर नोड को पूरे डोमेन की इंफॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद क्या होता है इसमें, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे शो करता हूं कि ये कनेक्शन है यहां पे हमारे पास, ये ग्राफ है, एक कनेक्शन है और ये जो टेबल्स हमने बनाई हैं, ये जो हमने यहां पे टोपोलॉजी क्रिएट की है ये वाली, इस टोपोलॉजी को यूज करके हर नोड अपनी राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो दीज टोपोलॉजीज आर यूज्ड टू बिल्ड द राउटिंग टेबल्स। सो दिस इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। सो इसमें हर नोड के पास पूरे डोमेन के हर नोड की इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं, इन दिस द होल टोपोलॉजी कैन बी कंपाइल्ड फ्रॉम पार्शियल नॉलेज ऑफ ईच नोड, क्योंकि ए के पास पार्शियल नॉलेज है, इसके पास ये पता है कि वो सी से कैसे कनेक्टेड है और बी से कैसे कनेक्टेड है, बट इसको ये नहीं पता कि सी और बी कैसे कनेक्टेड, तो पार्शियल नॉलेज है। ऐसी बी नोड के पास कुछ एक नॉलेज है, इसको ये नहीं पता कि ए और सी कैसे कनेक्टेड है। ऐसे ही सी नोड के पास पार्शियल नॉलेज है, इसको ये नहीं पता कि ए और बी कैसे कनेक्टेड है, बट हम तीनों की नॉलेज को यूज़ करके एक कंप्लीट टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं इस पूरे डोमेन की। सो दैट इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इसमें राउटिंग टेबल्स क्रिएट कैसे होती हैं, सो फॉलोइंग एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ईच नोड हैज़ द राउटिंग टेबल। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम ये पता करते हैं, ये बताते हैं कि हर नोड के पास एक राउटिंग टेबल होनी चाहिए।
सबसे पहला काम है क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द लिंक्स बाय ईच नोड, मतलब ये जो नोड है इसके पास एक स्टेट होनी चाहिए हर लिंक की, और उसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट पैकेट। या फिर इसको आप बोल सकते हो LSP। सो दैट मीन्स हर नोड एक LSP क्रिएट करेगा जिसके पास स्टेट्स की इंफॉर्मेशन होगी हर लिंक की। देन डिसिमिनेशन ऑफ LSPs टू एवरी राउटर, मतलब जो LSP इस नोड ने क्रिएट किया वो उस पैकेट को बाकी सब राउटर्स के पास भेज देंगे, और ये प्रोसेस कहलाता है फ्लडिंग। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फॉर ईच नोड। सो हर नोड के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री क्रिएट करना, देन कैलकुलेशन ऑफ द राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। सो जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनेगा हर नोड के लिए उसको यूज करके आपको एक राउटिंग टेबल क्रिएट करना है। सो ये पूरा बिल्डिंग ऑफ राउटिंग टेबल है कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये ए बी एंड सी, यहाँ पे कनेक्शंस हैं ए से बी, ए से सी एंड बी टू सी। अब हर नोड के पास इंफॉर्मेशन है, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे सर्कल में कर देता हूँ, जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी ए की, सिमिलरली बी की इंफॉर्मेशन और सी की इंफॉर्मेशन। नाउ ए के पास इंफॉर्मेशन है कि वो बी से कनेक्टेड है और कॉस्ट है 5, तो इसकी इंफॉर्मेशन हो गई। ऐसे ही ए को पता है कि वो सी से कनेक्टेड है और कॉस्ट है 2, तो ये ए की इंफॉर्मेशन है दो नोड्स के लिए। सिमिलरली बी को पता है कि वो ए से कनेक्टेड है विद द कॉस्ट 5, और बी सी से कनेक्टेड है जिसकी कॉस्ट है 4। ऐसे ही सी को पता होगा कि वो ए से कनेक्टेड है और कॉस्ट है 2, और सी बी से कनेक्टेड है और कॉस्ट है 4। तो ये वाली जो चीज़ बनी, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज स्टेट ऑफ लिंक्स। तो इसमें मैं कह सकता हूँ दिस इज, ये क्या है, बी स्टेट ऑफ लिंक्स। तो ये एक तरह का LSP है, लिंक स्टेट पैकेट है, जिसमें बी के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो ए से कनेक्टेड है और सी से कनेक्टेड है विद रिस्पेक्टेड कॉस्ट। इसके बाद बी इस LSP पैकेट को अपने बाकी सारे नेबर राउटर्स के पास भेजेगा, फ्लडिंग करेगा, यानी बी ए के पास भेजेगा LSP और बी ही सी के पास भेजेगा LSP। ऐसी ए भी अपना LSP बी के पास भेजेगा और सी के पास भेजेगा। सिमिलरली सी भी अपना LSP ए को देगा और बी को देगा। तो इस तरह से जब LSPs हर नोड के शेयर हो जाते हैं बाकी सब राउटर्स से जो नेटवर्क के अंदर हैं, उसके बाद एक मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ बनाया जाता है हर नोड के लिए, और उसके बेस पे एक राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ राउटिंग टेबल्स आर बिल्ड इन LSP। सो अब देखते हैं कि डिजिक्ट्रास एल्गोरिथम को यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं, और उस शॉर्टेस्ट पाथ से अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ राउटिंग टेबल कैसे करते हैं। तो ये हमने सैंपल वहाँ पे बना के रखा है। यहाँ पे जो नोड है जिसके लिए हम राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे वो है ए, दैट मीन्स ए हमारी सोर्स नोड है। सो डिजिक्ट्रास एल्गोरिथम को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले हम डाटा स्ट्रक्चर्स में कर चुके हैं। डायरेक्टली इसका शॉर्टेस्ट पाथ हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे सोर्स नोड ए। ए से बी तक आने का जो रास्ता है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 2, सो यू कैन राइट 2 हेयर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। सो ए से बी तक आने के लिए 2 है और ए से डी तक आने के लिए 3 है। इन दोनों में से हम कोई एक चूज़ करेंगे, तो हमेशा हम कौन सा चूज़ करते हैं जिसमें शॉर्टेस्ट होता है। सो ए से बी तक आने के लिए हमारे पास कितना हो गया, जो इसकी कॉस्ट हो गई वो हो गई 2। देन हमारे पास अब दो नोड्स है ए और बी। ए से डी तक आने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 3, और बी से ई तक आने के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, 6,
बी से सी तक जाने के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी? 7। सो मिनिमम कॉस्ट कितनी हो गई? 3। सो ए से डी तक की एक नोड हम क्रिएट करेंगे और इसकी कॉस्ट हो गई 3। अब हमारे पास दो नोड्स हैं, बी और डी। जब हम जाएंगे, अगर मैं डी से ई पे जाता हूँ तो कॉस्ट कितनी होगी? 3+5 दैट इज 8। और अगर मैं बी से ई पे आता हूँ तो कॉस्ट कितनी होगी? 2+4 दैट इज 6। और अगर मैं बी से सी पे जाता हूँ तो कॉस्ट कितनी होगी? 2+5 दैट इज 7। तो 7, 6 and 8 में से मिनिमम कौन सी है? 6। सो 6 को चूज कर लेते हैं। अब हमारे पास दो नोड्स हैं, बी और ई। बी से सी तक आने की कॉस्ट कितनी होगी? 7, 2+5। ई से सी तक जाने की कॉस्ट कितनी होगी? 8, 6+2। तो मिनिमम कौन सी है? 7। सो बी से सी पे चले जाएंगे और कॉस्ट है इसकी 7। देन इसके बाद मेरे पास अगेन दो रूट्स हैं, सी से जी तक आने के लिए है, सी से एफ तक आने के लिए। सो सी से जी तक आने के लिए कितना लगेगा? 7+3, 10। सी से एफ तक आने के लिए कितना लगेगा? 7+4, 11। जबकि ई से एफ तक आने के लिए कितना लगेगा? 6+2, 8। सो मिनिमम कौन सा हो गया? 8 वाला। सो यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे, एफ 8। देन अब हमारे पास एक नोड बची है सिर्फ जी, जिसको हमने अभी तक कवर नहीं किया, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? सिंपल, हमें पता है मिनिमम कौन सा लगेगा, 8+1 दैट इज 9। तो ये हमारा एक शॉर्टेस्ट पाथ बन गया विद द हेल्प ऑफ डिजिक्ट्रास एल्गोरिदम। अब आप इसमें देख सकते हो कि सोर्स नोड जो कि ए थी, यहाँ से हर नोड तक जाने का हमारे पास मिनिमम पाथ मिल गया, मिनिमम डिस्टेंस मिल चुका है। अब देखते हैं कि इससे राउटिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो नाउ वी विल क्रिएट अ राउटिंग टेबल फॉर नोड ए। सो नाउ लेट्स क्रिएट द राउटिंग टेबल फॉर नोड ए। सो इसमें कुछ फील्ड्स होती हैं राउटिंग टेबल में, एक तो है डेस्टिनेशन, देन कॉस्ट एंड नेक्स्ट राउटर, ठीक है। सो डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकती है? सिंपल ए बी सी डी ई एफ जी। सो सीधा लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब ए से ए तक आने के लिए कॉस्ट कितनी है? 0, क्योंकि ए से ए पे आने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सो 0। नेक्स्ट राउटर इज ब्लैंक। ए से बी तक आने के लिए कॉस्ट कितनी है? 2। एंड नेक्स्ट राउटर इज ब्लैंक, क्योंकि डायरेक्ट आ रहे हैं तो बीच में कोई राउटर नहीं है। ए से सी तक आने के लिए कॉस्ट कितनी है? 7। और ए से सी के बीच में जो राउटर है वो कौन सा है? बी। सो नेक्स्ट राउटर क्या हो गया? बी। देन ए से डी तक आने की कॉस्ट कितनी है? 3। नेक्स्ट राउटर कोई भी नहीं है तो ब्लैंक। ए से ई तक आने की कॉस्ट कितनी है? 6। नेक्स्ट राउटर कौन सा है? बी। ए से एफ तक आने की कॉस्ट कितनी है? 8। एंड नेक्स्ट राउटर कौन सा है? बी, क्योंकि बी के थ्रू आ रहे हैं। ऐसे ही ए से जी तक आने की कॉस्ट कितनी है? 9। एंड नेक्स्ट राउटर इज बी। सो इस तरह से आप हर नोड की एक राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जब हर नोड के पास एक अपनी राउटिंग टेबल है तो उसको यूज़ करके वो अपने पैकेट्स को भेज सकते हैं। जैसे अगर ए को एफ तक एक पैकेट भेजना है तो ए क्या करेगा? ए भेजेगा बी के रास्ते से, देन बी को पता होगा कि एफ तक जाने का स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है, तो वो उसको फॉलो करेगा। सो इस तरह से पूरा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम एक्चुअली, एंड द प्रोटोकॉल दैट इज बेस्ड ऑन दिस इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, दैट इज OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। सो कीप ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।